राहुल गांधी बुधवार को राजधानी जयपुर में किसान रैली से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। राहुल गांधी देश भर में किसान कर्ज माफी को लेकर मोदी सरकार को घेरेंगे, तो वहीं किसान आत्महत्या को लेकर वसुंधरा राजे निशाने पर भी रहेंगे। वहीं किसान आत्महत्या को लेकर कांग्रेस ने एक दस्तावेज भी बनाया है, जिसका उपयोग राहुल अपने भाषण में करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सहित कांग्रेस शासित राज्यों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी का लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को जयपुर में एक किसान रैली कर आगामी लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। राहुल गांधी जयपुर में किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही प्रदेश की पिछली वसुंधरा राजे सरकार को भी घेरेंगे। वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्याओं को लेकर एक दस्तावेज प्रदेश कांग्रेस ने तैयार किया है। राहुल गांधी दस्तावेज का उपयोग बुधवार को अपने भाषण में करेंगे। बुधवार को जयपुर के विद्याधर नगर में होने वाली किसान रैली के जरिए राहुल गांधी केंद्र सरकार से किसानों की कर्ज माफी की मांग उठाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी को उपलब्धि के तौर पर किसानों के सामने भी पेश करेंगे। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों को रैली में भीड़ लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की कोशिश है कि रैली में अधिक से अधिक तादाद में किसान पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम किसानों की कर्ज माफी को लेकर तब तक केंद्र की मोदी सरकार को लगातार घेरते रहेंगे, जब तक देश भर में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान नहीं हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की किसान रैली की तैयारियों को मंगलवार शाम को अंतिम रूप दे दिया गया। राहुल गांधी की रैली के मद्देनजर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित चारों सह प्रभारी विवेक बंसल, काजी निजामुद्दीन, तरुण कुमार और देवेंद्र यादव देर रात ही जयपुर पहुंच गए थे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और चारों सह प्रभारियों के साथ सभा स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने सभा स्थल का जायजा लिया। सूत्रों की माने तो सभा स्थल पर बनाए गए मंच पर राहुल गांधी समेत दो दर्जन नेताओं की बैठने की व्यवस्था की गई है। मंच पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वरिष्ठ नेता पीपी जोशी, गिरिजा व्यास, चारों सह प्रभारियों सहित कई पूर्व अध्यक्षों को मंच पर जगह मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली से आए कई केंद्रीय नेता भी मंच पर मौजूद रहेंगे। वहीं सभा स्थल को तीन भागों में बांटा गया है। पहले ब्लॉक में मंत्री और विधायकों और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। दूसरे ब्लॉक में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों और अन्य नेताओं को बैठाया जाएगा। एक ब्लॉक में महिला नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा जयपुर और आसपास के जिलों को दे दिया गया है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों से 5,000 लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। वहीं प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से 2,000 लोगों की भीड़ लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं किसान रैली में सरकारी खर्च को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि किसान रैली का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। रैली का पूरा खर्च प्रदेश कांग्रेस ही उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।